नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। आज शिक्षक दिवस है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की स्मृति में आज शिक्षक दिवस मनाया जाता है। और शिक्षक दिवस पर देश भर में जो शिक्षा के क्षेत्र में ऐसे शिक्षक जो गुरु शिष्य परंपराओं के अनुसार ज्ञान बढ़ाने का काम कर रहे हैं, देश के युवाओं में ज्ञान की ज्योति जला रहे हैं, ऐसे सभी शिक्षकों को आज सम्मानित करने का दिन है। और पूरे देश में शिक्षकों को सम्मानित भी किया गया, सिर्फ एक राज्य कर्नाटक में छोड़कर। कर्नाटक में हालांकि कुछ शिक्षकों को सम्मानित तो जरूर किया गया, लेकिन एक शिक्षक को शिक्षक दिवस पर सम्मानित नहीं किया गया, बल्कि अपमानित किया गया। और अपमानित भी किसके कहने पे किया गया? एक कट्टरपंथी, एक ऐसे संगठन के कहने पर जो आतंकवाद का, आतंकवादियों का समर्थन करता है, एक ऐसे संगठन की जो विंग है, पॉलिटिकल विंग है, ऐसे संगठन की पॉलिटिकल विंग के कहने पर जो संगठन 2047 तक भारत को इस्लामी मुल्क बनाने की साजिश रच रहा था। यह अपने आप में शर्मनाक भी है, बहुत गंभीर मामला भी है कि एक राज्य सरकार ऐसे कट्टरपंथी संगठन के आगे घुटने टेक दे। दरअसल यह पूरा मामला एक प्रिंसिपल से जुड़ा हुआ है, और आपको याद होगा ये वो प्रिंसिपल हैं जिन्होंने कानून और नियमों का हवाला देते हुए स्कूल के अंदर हिजाब पहनकर आने वाली लड़कियों को रोक दिया था और कहा था कि क्लासरूम में, स्कूल के प्रेमिसेस में आप हिजाब पहन के मत आइए, क्योंकि ये कानून के विरुद्ध है, नियम के विरुद्ध है। और इस प्रिंसिपल का नाम बाकायदा जो सिलेक्शन कमेटी थी, सिलेक्शन कमेटी ने इन प्रिंसिपल का नाम सेलेक्ट किया, बेस्ट टीचर के लिए इनका नाम सेलेक्ट किया। राज्य सरकार की ओर से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया कि इन शिक्षक को सम्मान दिया जाएगा। एक दिन पहले ये नोटिफिकेशन आता है, लेकिन उसके तुरंत बाद SDPI जो PFI का पॉलिटिकल विंग है, और PFI कौन है आप जानते हैं अच्छी तरह से, देश में जहां जहां दंगे हुए उन दंगों में PFI का हाथ आया, देश को, भारत को इस्लामी मुल्क बनाने की PFI साजिश रच रहा था। और इस PFI के नेताओं ने प्रिंसिपल के खिलाफ, प्रिंसिपल राधाकृष्णन के खिलाफ ट्वीट किए और विरोध जताया कि ऐसे प्रिंसिपल को सम्मानित कैसे किया जाता है, किया जा सकता है। और उसके बाद कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने कट्टरपंथियों के आगे सर झुका दिया, घुटने टेक दिए और प्रिंसिपल राधाकृष्णन को सम्मानित करने की सूची से हटा दिया। लेकिन आज एक और घटना हुई कर्नाटक से दूर हिमाचल प्रदेश में, और इसलिए आज ये समझना जरूरी है, आज ये जानना जरूरी है कि आखिर देश में असली कांग्रेस कौन सी है। क्योंकि एक तरफ मैंने कर्नाटक का हवाला दिया, बताया आपको कर्नाटक में किस तरह से एक कट्टरपंथी संगठन के आगे कांग्रेस की सरकार ने घुटने टेक दिए, लेकिन दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार है, और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के मंत्री ने मुख्यमंत्री की मौजूदगी में विधानसभा के फ्लोर पर कुछ ऐसा कहा जिससे हंगामा हो गया है। दरअसल हिमाचल प्रदेश में एक अवैध मस्जिद का मामला गर्मा गया है। यह मस्जिद अवैध तरीके से बनी हुई है, नियमों को तोड़कर बनी हुई है, लेकिन हिमाचल प्रदेश के मंत्री ने इस मस्जिद को लेकर के ये कहा कि यह पूरी तरह से अवैध है, और इसको लेकर स्थानीय लोग परेशान हैं। मंत्री ने इससे बड़ी बातें विधानसभा के फ्लोर पर बोली। उन्होंने ये कहा कि हिमाचल प्रदेश में जो मस्जिद के आसपास जो लोग बस गए हैं वो रोहिंग्या घुसपैठिए हैं, बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं। उन्होंने ये कहा कि लड़कियां जो है वहां से आ जा नहीं सकती। उन्होंने ये कहा कि लव जिहाद हो रहा है, और साफ साफ शब्दों में विधानसभा के फ्लोर पर बोला कि राज्य सरकार की जमीन है,
जिस पर वक्फ बोर्ड ने कब्जा कर लिया है। अब आप सोचिए, मैंने कहा असली कांग्रेस कौन सी है जो कर्नाटक में जो घुटने टेक देती है कट्टरपंथियों के आगे, या फिर हिमाचल प्रदेश में जो कट्टरपंथियों को चुनौती देती है। क्योंकि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की जो लाइन है, कांग्रेस के जो मंत्री की लाइन है, कांग्रेस के मंत्री के जो शब्द हैं, वो शब्द हैं, वो लाइन है जिसको कर्नाटक के अंदर ही नहीं बल्कि दिल्ली में भी कांग्रेस के नेता कहते हैं सांप्रदायिकता है। कांग्रेस का कोई नेता लव जिहाद को नहीं मानता, वो कहता लव जिहाद का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये हिंदूवादी संगठनों ने एक फुग्गा फुला रखा है, लव जिहाद नाम की कोई चीज नहीं होती। लेकिन आज हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के मंत्री कहते हैं लव जिहाद हो रहा है। रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठिए भारत में घुसे हुए बड़े पैमाने पर, इस बात को कांग्रेस के लोग स्वीकार नहीं करते क्योंकि उनकी जो सेकुलर सो कॉल्ड सेकुलर राजनीति है ये उसको सूट नहीं करता। लेकिन हिमाचल के मंत्री कह रहे हैं कि घुसपैठिए और रोहिंग्या हैं वो वहां घुस गए हैं। वक्फ बोर्ड देश में सरकारी संपत्तियों पर कब्जे कर रहा है, इसको लेकर के बाकायदा एक कानून लाने की भी तैयारी है और कांग्रेस सहित तमाम सेकुलर पार्टियां इस कानून के खिलाफ हैं, इस प्रस्तावित विधेयक के खिलाफ हैं। वो नहीं चाहते कि वक्फ बोर्ड के पर कतरे जाएं, वक्फ बोर्ड को जो असीमित ताकत मिली है उसको रोक लगाया जाए। कांग्रेस वक्फ बोर्ड के साथ खड़ी दिखती है, लेकिन आज हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के ही मंत्री कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड ने बाकायदा राज्य सरकार की जमीन पर अवैध कब्जा करके मस्जिद बना दी है। तो इसलिए आज दो टूक में हम इसी पर चर्चा करेंगे, मस्जिद हिजाब, क्या कांग्रेस का उतर गया है नकाब, और अगर नकाब उतरा है तो फिर असली कांग्रेस कौन सी है, कर्नाटक वाली या हिमाचल वाली। दो टूक में आज इसी पर चर्चा होगी। इससे पहले आगे बढ़े, पहले आपको कर्नाटक में जो कुछ हो रहा है उसको लेकर बीजेपी ने क्या आरोप लगाया और वहां कांग्रेस के नेता क्या कह रही है जरा सुन लीजिए। कर्नाटका की सरकार जो है कट्टरपंथियों के सामने वोट बैंक के लिए नतमस्तक होते होते एक और उदाहरण दे रही है कि जो हिजाब का फैसला कि क्लासरूम में हिजाब अलाउड नहीं है, ये सरकार का फैसला था, इसको हाईकोर्ट ने सही ठहराया, सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, वहाँ पर कोई वर्डिक्ट नहीं आया, अब वो मामला चल रहा है, परंतु हाईकोर्ट का मामला अमल में है। ऐसे फैसले को नियम के अनुसार लागू करने पर जो प्रिंसिपल को आज टीचर्स डे पर बेस्ट प्रिंसिपल अवार्ड मिलने वाला है, कट्टरपंथियों के डर से उस अवार्ड को रोक दिया गया। मतलब कांग्रेस पार्टी आज शाहबानू से लेकर शायरा बानू तक कट्टरपंथियों के सामने झुकती आ रही थी और अब एक और उदाहरण सामने नज़र आ रहा है। मतलब कांग्रेस का हाथ केवल वोट बैंक और कट्टरपंथियों के साथ, और टीचर्स डे पर एक प्रिंसिपल को उन्होंने ये इनाम दिया। हिजाब इज नॉट इज द थिंग व्हिच व्हेन आई वाज स्टडीइंग माय फेलो क्लासमेट्स वर वेयरिंग हिजाब, एब्सोल्युटली वी नेवर हैड एनी इशू। See, BJP of late, they are trying to create a serious divide in the society. See, each one has got their own choice, their own culture, religion is there. See, what way it is going to affect? See, in a school, everybody has to sit together. See, if somebody for the first time, if they had worn hijab and come to school or college for the first time, this is happening for the years immemorial, okay? And somebody raises that issue and creates such a big havoc in the entire system of education. I think, personally, I feel it is not pardonable. कांग्रेस के नेता वहां हिजाब के समर्थन में तो खड़े हैं, साथ साथ उस प्रिंसिपल को जिसको राज्य सरकार की कमेटी ने, शिक्षा विभाग से जुड़े लोगों ने, जो बेस्ट शिक्षक को जज करते हैं उन तमाम लोगों ने, जिस शिक्षक को चुना उस शिक्षक के ऊपर ही आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने जो है एक अनावश्यक विवाद खड़ा कर दिया, इसलिए वो सम्मान के हकदार नहीं है। अब ये कर्नाटक की कांग्रेस थी, लेकिन अब आपको हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस दिखाता हूं, जहां वक्फ बोर्ड का कब्जा है, हिजाब है, रोहिंग्या है, बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, और रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठिए महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करने वाले हैं, ये सब चीजें
हिमाचल प्रदेश में है और वहां भी कांग्रेस है, कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस की आवाज है, सुनिए जरा। जांच होनी चाहिए कि कहां से ये लोग आ रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि बांग्लादेशी या रोहिंग्या कोई ये यहां पर घुस रहे हैं। मस्जिद का जो मामला है, जो ये मस्जिद है ये अवैध बनी हुई है, जिसमें कि कल अनिरुद्ध सिंह जी ने भी विधानसभा में अपनी बात रखी है, ये चार मंजिलें इसकी अवैध है। अगर यह हमारा आधा इंच छज्जा भी बढ़ता है तो उसे तुरंत तोड़ दिया जाता है। 10 साल हो गई है ये इस मस्जिद पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, और हम चाहते हैं कि ये अवैध जो मस्जिद है ये यहाँ पर गिरनी चाहिए, ये हमारी मांग है। मस्जिद का मामला है 2010 से शुरू होकर 2014 तक चार मंजिला भवन बन गया, जहां से महिलाएं बच्चे गुजर नहीं सकते, और शुक्रवार के दिन वहां पे इतनी लड़ाइयां होती है, और हमारी जो हिंदू बहनें हैं उनको तरह तरह से यातनाएं सहन करनी पड़ती है, जाना आना मुश्किल हो गया है। सबसे पहले तो क्या प्रशासन से मंजूरी ली गई मस्जिद खोलने की? यहाँ एक बार कोई मंदिर खुले तब जो है प्रशासन पहुँच जाता है, कोई भी धार्मिक संस्थान खुले उसके लिए गवर्नमेंट की परमिशन जरूरी होती है सर। मैं किसी समुदाय के खिलाफ नहीं हूँ सर, खुले लेकिन उसकी परमिशन जरूरी है सर। 2010 में काम शुरू किया सर, उसके बाद अवैध निर्माण किया गया, विवरण जो है वो उस टाइम जो है 110 स्क्वायर मीटर 2-250 स्क्वायर मीटर मतलब 2500 स्क्वायर फुट का जो है इलीगल कंस्ट्रक्शन करी गई। उसके बाद 2012 में पुनः सुनवाई हुई सर, की सुनवाई हुई 2012 में दोबारा, उसके बाद भी ये लोग माने नहीं सर, अवैध कंस्ट्रक्शन चलता रहा। हाल ये है सर कि अगर कोई लोकल आदमी यहाँ पे अवैध कंस्ट्रक्शन करता है तो सेम डे जो है धारा तोड़ जाता है उनका, ये शर्म की बात है। तो आपने अनिरुद्ध सिंह को सुना, जो हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण विकास मंत्री, और उन्होंने विधानसभा में मुख्यमंत्री की मौजूदगी में ये सब कुछ कहा। अगर यही बातें बीजेपी कहती तो कांग्रेस कहती ये सांप्रदायिकता है, कांग्रेस कहती ये कम्युनल जो है दंगे भड़काने की कोशिश है। लव जिहाद कुछ नहीं होता, वक्फ बोर्ड ने कहीं कब्जा नहीं कर रखा, लेकिन अनिरुद्ध सिंह सच को स्वीकार कर रहे हैं। पर क्या कांग्रेस बाकी देश में सच को स्वीकार कर रही है? ये तमाम सवाल है जो आज दो टूक में उठाएंगे। और फिर मैं कह रहा हूं, आज का मेरा शीर्षक मस्जिद हिजाब, क्या कांग्रेस का उतरा है नकाब? इन सब पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ आज डिबेट में चार मेहमान मौजूद हैं, आइए चारों मेहमानों का परिचय करवा दूं। मेरे पास साथ गुरुप्रकाश पासवान जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं गुरुप्रकाश पासवान जी। मेरे साथ विजय कौशिक जी जुड़े हैं, कांग्रेस के नेता हैं विजय कौशिक जी। सैयद जव्वाद मेरे साथ जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, कांग्रेस पार्टी के समर्थक हैं। और मेरे साथ स्टूडियो में सौरभ दुबे जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत। मैं शुरुआत सैयद जवाद आपसे करता हूं। सैयद जवाद, मेरे पास ये ऑर्डर है राज्य सरकार का, जिसमें जो प्रिंसिपल हैं बीजी रामकृष्णन उनको सम्मानित करने के लिए, यहां पर ये दूसरे नंबर पर उनका लिस्ट में नाम है, ये मेरे पास ऑर्डर है राज्य सरकार का। और दूसरा मेरे पास ये अनवर सादत उनका ट्वीट है, उसकी प्रिंट आउट है। अनवर सादत SDPI का नेता है, वहाँ का जो है उस रीजन का क्षेत्र का अध्यक्ष है, और ये लिखता है कि इस प्रिंसिपल ने क्योंकि हिजाब को लेकर के विवाद किया और इसलिए जो है ये हकदार नहीं है, और राज्य सरकार जो है कदम पीछे खींच लेती है। राज्य सरकार जिस व्यक्ति को बाकायदा सब प्रक्रियाओं को पूरी करने के बाद सम्मानित करने का फैसला किया गया, वो फैसला पलट लेती है। क्या ये कट्टरपंथियों के आगे घुटने टेकना, सर झुकाना नहीं है कर्नाटक की सरकार के द्वारा? जी, बहुत बहुत शुक्रिया अशोक भाई आपका, और आपने जिस मौजू को उठाया है, एक राजनीति से प्रेरित जो है वो एक इशू लगता है।
हालांकि राजनीति नहीं होना चाहिए ऐसे इश्यूज पे, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी और तमाम लोग उठा रहे हैं इस मुद्दे को, अच्छी बात है, यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। चाहे सरकार कांग्रेस की हो और इस चीज को एक्सेप्ट भी करते हैं कांग्रेस के, हाँ आप लोकतंत्र में अपनी बात रख सकते हैं बिना पक्षपात करे हुए, अगर कोई आवाज आ रही है उसको सुना जाना चाहिए, इसमें कोई आपत्ति तो नहीं है। अगर लोकतंत्र की खूबसूरती को बनाए रखना है तो पक्ष की भी आवाज सुनी जाएगी और विपक्ष की आवाज सुनी जाएगी, और कांग्रेस किसी के दबाव में काम करती है तो इस बात को तो बिल्कुल सरे से नकार दिया जा सकता है, क्योंकि 10 साल तक वो राजनीति हम लोग ने देखी है कि जिसके अंदर अगर पत्रकार कोई सवाल कर देता है सरकार से तो उसकी नौकरियां चली जाती, ऐसी तमाम नजीरें हैं। पत्रकार अगर सवाल कर देता है किसी मंत्री से तो उसको जेल हो जाती है साहब, पत्रकार अगर सवाल कर देते हैं तो पत्रकारों को गोलियां तक मारी गई हैं, उनकी हत्याएं भी करी गई है, वो भी हमने देखी। आप कर्नाटक की बात कर रहे हैं यहाँ पर भी ना, मैं जानता हूँ कर्नाटक में कर्नाटक की सरकार तो ने कई वैसे आप सुनिए आप लोग क्या सुनिए सही जवाब क्या होता है ना, मैं एक पत्रकार हूँ और मैं कुछ चीजों को लेकर बड़ा सेंसिटिव हूँ, और आप लोग जो हैं मेरी जो संवेदनशीलता है उसको जगा देते हैं, ठीक है ना, तो इसलिए फिर मुझे आपको रोक कर जवाब देना पड़ जाता है। अभी एक बहुत बड़े चैनल के राष्ट्रीय चैनल के संपादक हैं, अभी उन्होंने कांग्रेस को लेकर कुछ टीवी डिबेट में बोल दिया था, उनकी क्लास लगी है अभी 3 दिन पहले। कहाँ क्लास लगी है? मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस का मीडिया सेल इंचार्ज, 3-4 लोग जो हैं उनको बैठा करके उन संपादक महोदय, सोचिए एक राष्ट्रीय चैनल का संपादक, उसकी क्लास लगी है, नाक रगड़वाई है, मतलब लिटरली शब्द मतलब वैसे नहीं नाक रगड़वाई, लेकिन नाक रगड़वाई है, उसके बाद जा करके वो बेचारे संपादक महोदय को अब माफ़ी मिली है कि हाँ अब ठीक है। तो ये तो कांग्रेस का हाल है जिनको आप कहते हैं कि मीडिया की आज़ादी। अब छोड़ दीजिए विषय, मैं सिर्फ अब विषय दोबारा आ जाते हैं उसी पर, विषय पर आ जाते हैं क्योंकि आप उसमें जाएंगे तो मैं फिर आपको, मेरे पास तो मैंने तो इसपे इस पूरे विषय पर किताबें लिखी हैं, इसलिए मैं तो आपको 1 घंटे इस विषय पर डिबेट कर सकता हूँ, लेकिन विषय आज का ये नहीं है। आप ये मोटे तौर पर कह रहे हैं, मेरा सवाल लीजिए, आप ये मोटे तौर पर कह रहे हैं कि ये झुकना नहीं हुआ, ये डेमोक्रेसी है कि उनकी भावनाओं का, एसडीपीआई की भावनाओं का सम्मान किया गया, आप ये कहना चाहते हैं? नहीं, देखिए क्या है, बहुत से स्टूडेंट ने भी उनका विरोध कर और उनकी स्टूडेंट की बात भी सुनना जो है वो सरकार को उतना जरूरी है जितना जो है और लोगों की बात को सुनना। उनका कई बार विरोध जो है, खुद वहां के जो हम वहां के छात्र हैं उन्होंने उनका विरोध करा, ऐसा नहीं है, जब विरोध हुआ तो बात विरोध में सुनी गई, ऐसा नहीं है कि इंसिडेंट कब हुआ था, आप थोड़ा याद करके बताइए। सही जवाब, 1 मिनट क्लियर कर लेते हैं, ये इंसिडेंट कब हुआ था? सही जवाब 2021 का है, 2021 का, आज हम 2024 में हैं, ठीक है ना, 2021 के बाद, 2021 में स्टूडेंट्स ने विरोध किया था, वो मुझे मालूम है स्टूडेंट्स, क्योंकि उनको था कि भाई उनको हिजाब पहनकर स्कूल में आना है, उनको हिजाब पहनकर परीक्षा देनी है, स्टूडेंट्स ने विरोध किया 2021 में। आज 2024 है और ये 2024 में जो कमेटी है वो ये डिसाइड करती है कि बी जी रामकृष्णन जो हैं वो बेस्ट टीचर अवार्ड लेने के हकदार हैं 2024 में। अचानक से वो स्टूडेंट्स की आवाज़ नहीं आती, किसी स्टूडेंट का ट्वीट नहीं आता, किसी स्टूडेंट का बयान नहीं आता, बयान किसका आता है? एसडीपीआई का आता है। एसडीपीआई कौन है मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, मेरे से ज्यादा आप जानते होंगे। ये बात कहना कि एसडीपीआई के दबाव में है ये बिल्कुल सरासर गलत है, बहुत से छात्रों ने उनका विरोध करा है इसलिए उसको जो है देखा गया है, उसको जो है ये नहीं कहा गया कि उनको अवार्ड नहीं मिलेगा या बिल्कुल खत्म कर दिया गया। इस बात को लेकर कुछ विषय हैं जिनके ऊपर जांच होनी है, वो पता चलेगा जांच के बाद कि क्या सही है क्या गलत है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि बगैर पक्षपात करे जांच होगी, निष्पक्ष जांच होगी, और जांच के बाद जो चीज सामने आएगी वो चीज होगी, डिलीवर होगी, उसमें कोई आपत्ति नहीं। ओके, देखिए ऐसा है, ओके मैं गुरुप्रकाश जी आपके पास आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले एक चीज कहना चाहता हूं कि शिक्षक दिवस है आज, आपकी कमेटी तमाम प्रक्रियाओं का पालन करने के बाद आपका नाम नोटिफिकेशन निकालती है, आपके अड़ोसी पड़ोसी अगल बगल आपके स्टूडेंट सबको पता चलता है कि आज मेरे गुरुजी का सम्मान होगा, अचानक जो है वो सम्मान रोक दिया जाता है। टीचर्स डे पे कि नहीं अभी आपको सम्मान नहीं देंगे भाई, इससे ज़्यादा अपमानजनक शिक्षक दिवस पर किसी स्टूडेंट्स किसी टीचर का
इससे ज्यादा अपमान हो नहीं सकता, इससे ज्यादा अपमान हो नहीं सकता। मतलब मैं समझ सकता हूं और उसका कोई भी संवेदनशील व्यक्ति समझ सकता है कि आज ये जो बीजी रामकृष्णन है ये आज किस भावना से किस क्या इनके उनके इनके दिल के ऊपर बीत रही होगी। पर रामकृष्ण पर गुरु प्रकाश जी सैयद जवाब कह रहे हैं भाई कुछ स्टूडेंट्स का विरोध था, डेमोक्रेटिक तरीके से इसका पालन किया गया, स्टूडेंट्स की बात सुनी गई, उस विरोध को देखते हुए रोक दिया गया, तो फिर इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। नहीं नहीं, मुझे लगता है कि अशोक जी आपने बहुत अच्छी बात कही और शिक्षक दिवस के दिन शिक्षक का इस प्रकार का अपमान मुझे लगता है ये महापाप है। आज पूरे देश में हम शिक्षक दिवस मना रहे हैं और आपने बिल्कुल सही कहा कि आज उनका परिवार, उनके आस पड़ोस के लोग एक उल्लास का, एक उत्साह का वातावरण होना बहुत ही स्वाभाविक है। लेकिन उसके बावजूद जिस प्रकार भोजन की थाली आपके सामने रखी गई और फिर एन मौके पे जब आपको खाने का समय आया तो भोजन की थाली आपके सामने से हटा ली गई, ये बहुत दुखद है। शुद्ध रूप से अशोक जी पॉलिटिकली मोटिवेटेड निर्णय है ये। और आप कैसा प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं, मैं तो आपसे पूछना चाहता हूं अशोक जी, आप एक बहुत ही डेंजरस प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं। एक ऐसे व्यक्ति को जो सरकार के आदेश की पालना कर रहा था, सरकार के अनुशासन की पालना कर रहा था, उसको उसकी सजा मिली है। आगे आइए आप, कर्नाटक के उच्च न्यायालय ने 2022 में स्पष्ट रूप से कहा है कि हिजाब इज नॉट एन एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस इन इस्लाम। कर्नाटक की हाईकोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में हिजाब की आवश्यकता नहीं है, वहां डिसिप्लिन की आवश्यकता है, यूनिफॉर्मिटी की आवश्यकता है। तो आप बहुत ही डेंजरस प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं और किसके दबाव में कर रहे हैं अशोक जी, आपने बिल्कुल सही कहा। SDPI क्या है, PFI क्या है, PFI को सरकार ने बैन क्यों किया है? यहाँ हम सब जितने भी पैनलिस्ट उपस्थित हैं सब भली भांति जानते हैं, सब यहाँ पे ज्ञानी लोग हैं, PFI SDPI के क्या क्या एंटी नेशनल टेरर लिंक रहे हैं, दंगों में उनकी भूमिका क्या रही है ये पूरा देश जानता है, हेट स्पीच के विशेषज्ञ रहे पूरा देश जानता है। लेकिन आज के दिन इस प्रकार की ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल इथोस की हत्या करना, ये वास्तव में संविधान की हत्या करना है, ये वास्तव में संविधान के आदर्श, संविधान के मूल्यों की हत्या करने जैसा है। और आगे से मैं सरकारी कर्मचारी हूं, मैं विश्वविद्यालय में शिक्षक हूं, अगर मुझे मेरे काम के लिए सजा दी जाए तो इससे क्या उदाहरण आप सेट कर रहे हैं, कैसा एग्जाम्पल आप सेट कर रहे हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कांग्रेस की सरकार का पुष्टिकरण का, और अच्छा किया आपने कि आपने हिमाचल का भी जिक्र किया है, एक शब्द होता है अशोक जी फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर, कांग्रेस के लिए माइनॉरिटी अपीजमेंट एक फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर बन गया है जो ना तो उगलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है। आज कांग्रेस के मंत्री हिमाचल प्रदेश में उस अवैध कंस्ट्रक्शन का विरोध कर रहे हैं तो दूसरा धड़ा कह रहा है कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, हिमाचल में तुष्टीकरण कर रहे हैं। तो किस प्रकार से एक विचित्र स्थिति में आज कांग्रेस पार्टी फंस गई है हिमाचल से लेकर कर्नाटक तक, आज इस पे कांग्रेस पार्टी के नेताओं को मंथन करने की आवश्यकता है। लेकिन ये निर्णय जो कर्नाटक का है ये लोकतंत्र, संविधान, कानून और आदर्शों के सख्त विरोध में है और हम इसकी कड़ी से कड़ी निंदा करते हैं। गुरु प्रकाश जी, मैं तो आज ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि कांग्रेस का असली चेहरा कौन सा है, क्योंकि दो इंसिडेंट है दोनों विपरीत है। और फिर कह रहा हूँ अगर हिमाचल में फर्ज कीजिए कि आज बीजेपी की सरकार होती, बीजेपी का कोई मंत्री वहाँ पर विधानसभा में बोलता कि वक्फ बोर्ड ने अवैध कब्जा कर रखा है, वहाँ पे लव जिहाद होता है, वहाँ पे लड़कियों को छेड़ा जाता है, वहाँ रोहिंग्या और घुसपैठिए घुस गए हैं, तो फिर आज कांग्रेस सड़कों पर उतरकर कहती कि हिमाचल प्रदेश में सांप्रदायिकता फैला रही है बीजेपी। लेकिन कांग्रेस के मंत्री ने कहा, और मैं अनिरुद्ध जी को आज बधाई भी देता हूँ, दिल से बधाई देता हूँ, उन्होंने साहस का काम किया। हर कांग्रेसी को चाहिए साहस का काम करे, लेकिन मुझे नहीं मालूम कांग्रेस में उनका भविष्य क्या होगा, कांग्रेस में सच बोलने वालों का भविष्य क्या होता है वो वक्त बताएगा। अनिरुद्ध सिंह ने सच बोला है, बहुत साहस का काम किया, उनका कांग्रेस में भविष्य क्या होगा मैं नहीं जानता। लेकिन मैंने कहा कि आज ये थोड़ा समझने की जरूरत है कि असली कांग्रेस कर्नाटक वाली है या असली कांग्रेस हिमाचल वाली है। वैसे एक और कांग्रेस है, मैं आज विषय आपकी जानकारी में अपने दर्शकों की जानकारी के लिए बता देता हूं, ये दो कांग्रेस तो है मैंने कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश की बताया, एक और कांग्रेस है वो तेलंगाना की कांग्रेस है, तीसरी कांग्रेस का भी सुन लीजिए कौन सी कांग्रेस है। तीसरी कांग्रेस वो है जहां बीजेपी युवा बीजेपी के वहां पर तेलंगाना में नेता है लड्डू यादव। लड्डू यादव ने तिरंगा यात्रा निकाली और तिरंगा यात्रा निकालने के बाद तेलंगाना में लड्डू यादव के ऊपर FIR हो गई है और वहां पर
जो ओवैसी की पार्टी है उसके गुंडे उनको जान से मारने की धमकी दे रहे हैं ऑन वीडियो रिकॉर्ड, वीडियो पर, बाकी मैंने वीडियो देखे जिसमें कट्टरपंथी वीडियो जारी करके कह रहे हैं कि तू कहां बचेगा लड्डू सिंह, हम तेरे को मारेंगे, कहीं भी घुस के मारेंगे। और एफआईआर किस पे होती है? एफआईआर लड्डू सिंह पर होती है, उन गुंडों पर नहीं होती, तिरंगा यात्रा निकालने पर होती है। तो कांग्रेस, असली कांग्रेस कौन सी है भाई, ये तो देश को मालूम होना चाहिए। तिरंगा यात्रा के खिलाफ एफआईआर करने वाली असली कांग्रेस है, मस्जिद को तोड़वाने वाली असली कांग्रेस है, या फिर जो असली कांग्रेस वो है जो एसडीपीआई के सामने घुटने टेकती है? सैयद जवाद, नहीं, कांग्रेस तो एक ही है, कांग्रेस की विचारधारा वही है जो गांधी जी की विचारधारा है, जो सरदार पटेल की है, मौलाना आजाद की है, अंबेडकर जी की, मतलब है। आप मानते हैं ना कि अनिरुद्ध सिंह ने कांग्रेस की विचारधारा को आगे बढ़ाया है कि अवैध मस्जिद गिरनी ही चाहिए, वक्फ बोर्ड का अवैध कब्जा हटना ही चाहिए, लव जिहाद रुकना ही चाहिए? आप मानते हैं ना कि अनिरुद्ध सिंह ने कांग्रेस की इस आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाया? नहीं, अनिरुद्ध सिंह ने कांग्रेस की आइडियोलॉजी को बढ़ाया नहीं बढ़ाया, लेकिन केंद्र सरकार भी लव जिहाद के आंकड़े दे देती। अरे सर, कितने आए भैया, सुनिए ना, अरे सुनिए, सैयद जवाद सुनिए ना, केंद्र सरकार छोड़ दीजिए ना, केंद्र सरकार को तो आप गाली देते ही रहते हैं, और आपका हक है, वो अधिकार है आपका, केंद्र सरकार, सुनिए ना, केंद्र सरकार लव जिहाद पे कोई आंकड़े नहीं दे रही, सुनिए ना, मेरी बात सुनिए, आज तो मैं, सुनिए एक मिनट, मेरी बात सुनिए ना, मैं कह रहा हूँ, सुनिए सैयद जवाद आपके साथ आवाज मिला रहा हूँ, सुनिए, आज मैं आपके साथ आवाज मिला रहा हूं, केंद्र सरकार निकम्मी है जो लव जिहाद के आंकड़े जारी नहीं करती। मैं कहता हूं अनिरुद्ध सिंह जैसे नेता, वो जो है देश के नेता होने चाहिए, जो विधानसभा में बोल रहे हैं लव जिहाद है, रोहिंग्या घुसपैठियों ने यहां पर महिलाओं को छेड़छाड़ शुरू कर दी है, बांग्लादेशी घुसपैठिया घुस गए हैं, उनको खदेड़ कर निकाल देना चाहिए, अवैध मस्जिद को गिरा देना चाहिए, मैं मानता हूं आज अनिरुद्ध सिंह देश के हीरो हैं, मैं तो केंद्र सरकार को गरिया रहा हूं, आप भी मेरे साथ आवाज मिलाइए, कहिए अनिरुद्ध सिंह की जय। देखिए, मैं यहाँ पे जयकारे लगाने के लिए नहीं बैठता हूँ, जैसे और लोग मोदी जी के जय के नारे लगा देते हैं, हम सही और अरे देश के लिए बात कर रहे हैं वो, दूसरी देश के लिए नहीं, पूरी सुनिए, स्थानीय लोगों ने वहां के ही आरोप लगाए, उसी बात को अनिरुद्ध सिंह जी जो है वो अपना रिपीट कर रहे थे, रिपीट नहीं कर रहे थे, सैयद जवाद, विधानसभा के अंदर कोई मंत्री रिपीट नहीं करता, वो आंकड़े लेकर दस्तावेज लेकर बैठे थे, उन्होंने दस्तावेज के आधार पर कहा कि लव जिहाद हो रहा है, उन्होंने आंकड़ों के आधार पर कहा मस्जिद अवैध है, उसको गिरा देना चाहिए। जवाब सुन लीजिए, ये तो जांच का विषय होगा ना। अरे जांच करके वो कह रहे थे, उनके पास सही जवाब सुनिए, थोड़ा आप तैयारी करके आए होंगे, आप बहुत प्रखर प्रवक्ता हैं, मुझे मालूम है आप तैयारी करके आते हैं, लेकिन आप या तो जानबूझकर मेरे दर्शकों को और मेरे सवालों को डॉज करने के लिए झूठ बोल रहे हैं, या आज आप बिना तैयारी के आए हैं, दो चीजें हो सकती हैं, क्योंकि मेरी बात सुन लीजिए ना, मैं बता रहा हूं, क्योंकि वो उन्होंने दस्तावेज के आधार पर कहा, उन्होंने, अगर आपने उनका बयान नहीं सुना होगा, क्योंकि वो शायद आपको थोड़ा, उनका बयान, अनिरुद्ध सिंह का बयान आज तो आपको थोड़ा अखर रहा होगा, लेकिन उन्होंने दस्तावेज, सुनिए ना मेरी बात, उन्होंने दस्तावेज के आधार पर कहा, उन्होंने कहा कि लैंड रिकॉर्ड मेरे पास है, और लैंड रिकॉर्ड के आधार पर जो मस्जिद है वो जमीन सरकार की है जिस पर वक्फ बोर्ड का अवैध कब्जा है, ये उन्होंने दस्तावेज लेकर बोला, जांच का कोई सवाल ही नहीं है इसमें। जितने भी वक्फ बोर्ड के केसेस हैं अशोक भाई, बहुत सी जगह पे वक्फ बोर्ड के केसेस चल रहे हैं, और कई जगह पर, चाहे प्रदेश की सरकार हो गई, चाहे केंद्र की सरकार हो गई, कई जगह पर सरकार से विवाद, पार्टिकुलर अनिरुद्ध सिंह से कोई विवाद नहीं, सरकार से विवाद है, बहुत सी प्रॉपर्टी, दिल्ली के अंदर भी बहुत सी प्रॉपर्टी है, उसके बाद देश भर मुंबई में बहुत सी प्रॉपर्टी है जिसके ऊपर स्टेट सरकार और केंद्र सरकार के बीच विवाद चलता है, कई जगह पे रेलवे और डिफेंस में भी विवाद हो जाता है कि ये जमीन किसकी है, कई जगह पे केंद्र सरकार और स्टेट सरकार में विवाद हो जाता है जमीन को लेकर, मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ वहां पर भी है, स्टेट सरकार कहती है कि लैंड उसकी है और रेलवे कहती है लैंड उसकी है, उसको लेकर के विवाद, तो इसमें कोई बहुत बड़ी आपत्तिजनक बात नहीं हो गई। चलिए, आपको आपत्ति नहीं है ना, वो कह रहे हैं मस्जिद गिरानी चाहिए, आपको आपत्ति नहीं, अच्छी बात है, मुझे आज अच्छा लगा कि आज आप सच के साथ खड़े हैं, उन्होंने जो कहा अनिरुद्ध सिंह ने कि अवैध मस्जिद है उसको गिराना चाहिए, उन्होंने कहा लव जिहाद है इसको बंद करना चाहिए, आप उनके साथ खड़े हैं, अच्छी बात है, मैं आपको बधाई देता हूं,
मैंने ये नहीं कहा कि मस्जिद गिरानी चाहिए, ये तो आप अपने मुंह में अल्फाज मेरे मुंह में डालना चाह रहे हो। अनिरुद्ध सिंह ने जो कहा मैं तो वही कह रहा हूँ, मतलब आप चाहते हैं अवैध मस्जिद ना गिरे, आप चाहते हैं अवैध मस्जिद ना गिरे, आप चाहते हैं हिमाचल प्रदेश में जो जहां पर एक मंजिल के लिए बनी थी वो चार मंजिला बन जाती है, पूरे शिमला के अंदर ढाई मंजिल से ज्यादा किसी को परमिशन नहीं है, वहां चार मंजिला इमारत बन जाती है, आप चाहते हैं वो मस्जिद ना गिरे, अवैध कब्जे होते रहे, रोहिंग्या आते रहे, लव जिहाद चलते रहे। सुनिए अब मेरी बात मुकम्मल हो जाने दीजिए, फिर मैं आ रहा हूँ विजय जी, आ रहा हूँ। मैं सिर्फ दो बातें आपके सामने रख रहा हूं, समक्ष रख रहा हूं, ताकि आप भी समझे, आपके दर्शक भी और जनता भी समझे। अनिरुद्ध सिंह जो है वो अदालत से ऊपर नहीं होगा और कोर्ट से ऊपर नहीं होगा, कोई भी मंत्री कोई भी विधायक जो है या कहीं पर भी कोई भी सरकार है संविधान से ऊपर नहीं है, ना आपकी अदालतों से ऊपर हो, ठीक है। अगर कोई विवाद चल रहा है, सब जुडिस मैटर है, चीजें है, उस पर अनलगल अपने आप को रख करके ये बताना कि नहीं ये चीज गलत है, मैं उसका बिल्कुल भी पक्ष नहीं करता हूँ, चाहे मौजूदा। चलिए मुझे आपकी आज सैयद जवाद आज आपकी मुझे एक और बात बहुत अच्छी लगी, सैयद जवाद आज मुझे आपकी एक और बात अच्छी लगी, आप कह रहे हैं अदालतों से ऊपर कुछ नहीं है, तो उम्मीद करूंगा कि तीन तलाक के मामले में, उम्मीद करूंगा कि 370 के मामले में, उम्मीद करूंगा कि शरिया कानून को लेकर जो ढोल बजाए जाते हैं आप उसका भी विरोध करेंगे और कहेंगे कि देश में अदालतें सर्वोच्च हैं, शरिया कानून से हिंदुस्तान नहीं चलेगा। ये बात आप जैसे लोग अगर SDPI को भी समझा दें, ये अगर जो है ये अगर देवबंद को भी समझा दें, ये अगर कठमुल्लों को भी समझा दें, तो उसके लिए भी आपका शुक्रिया करूंगा कि देश की अदालतें सबसे ऊपर है। विजय कौशिक मुझे बताइए, विजय कौशिक मैं जानना चाहता हूं कि SDPI, मैं SDPI आपसे बात करता हूं, ये SDPI कौन है? ये तो मुझे मालूम था सैयद जवाद SDPI के खिलाफ नहीं बोलेंगे, मुझे मालूम था वो गोलमोल कर जाएंगे PFI की। ये PFI वो है जिसने हर हिंदू शोभा यात्रा पर पिछले 2 साल में पथराव कराया, राजस्थान से लेकर दिल्ली तक, हनुमान जयंती हुई तब पथराव करवाए हैं, दंगे करवाए हैं, हिंदू नववर्ष हुआ तब दंगे करवाए हैं, ये वो PFI है जिसका दस्तावेज पकड़ा गया कि 2047 तक हिंदुस्तान को इस्लामी मुल्क बनाना है, ये वो PFI है जिसको विदेशों से पैसे मिल रहे थे, जो आतंकवादियों के लिए खुलेआम समर्थन करता था, जिसको कहते हैं कि वो सिमी का ही बदलाव रूप था, वो सिमी जो देश में जगह जगह दंगे करवाता था, जगह जगह बम फोड़ता था, और उसका पॉलिटिकल विंग SDPI है। क्या SDPI के सामने घुटने टेकना, क्या SDPI के कहने पर एक शिक्षक को अपमानित करना, आप इस कांग्रेस के साथ हैं या हिमाचल वाली कांग्रेस के साथ हैं? देखिए अशोक भाई, आज आपकी पूरी बहस का जो मूल तत्व है वो ये है कि कौन सी कांग्रेस असली है, कौन सी नकली है, ये कौन सी मुसलमानों का पक्ष लेती है, कौन सी नहीं लेती। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, आजादी से पहले भी और आजादी के बाद भी कांग्रेस की एक ही पहचान थी, पहले हम अंग्रेजों के खिलाफ लड़े, क्यों? क्योंकि उनके कारनामों के खिलाफ हम लड़े, उनकी कमियों के खिलाफ लड़े। आजादी के बाद देश के अंदर जो बुराइयां थी, जो गलत बातें थी, उनके खिलाफ लड़े। तो इसलिए हम किसी गलत बात के तो पक्षधर नहीं हो सकते। अगर कोई मस्जिद सरकारी जमीन पर अवैध अतिक्रमण करके बनी हुई है, या वहां के लोगों की शिकायत है कि वहां पर महिलाओं को, बहन बेटियों को छेड़ा जाता है, खासतौर पर हिंदू बहन बेटियों को, तो ये हमारे देश के लिए बहुत ही शर्मनाक घटना है। ऐसे संस्थानों को जड़ से उखाड़ कर फेंक देना चाहिए। क्यों? क्योंकि मस्जिद खुदा का घर नहीं है, एक इबादत स्थल है केवल, कि जहां पर चंद लोग इकट्ठे होकर खुदा की इबादत कर सके। अगर इबादत के नाम पर वहां गलत काम हो रहा है, ये तो खुदा भी नहीं चाहता, ये तो कुरान भी नहीं कहती कि आप सरकारी जमीन पर कब्जा करके, अवैध निर्माण करके मस्जिद बनाओ। कुरान भी ये कहती है भी जो काम करो जायज करो। और यहां तो मैं देख रहा हूं कि जायज बात के खिलाफ बातें कही जा रही हैं कि भाई उसको नहीं तोड़ा जाना चाहिए। अरे भाई क्यों नहीं तोड़ा जाना चाहिए? कल को संसद भवन के अंदर घुसकर मस्जिद बना देंगे तो भैया तोड़ी नहीं जानी चाहिए? या मैं कल को जाकर संसद भवन में घुसकर मंदिर बना दूं, मूर्ति रखकर बैठ जाऊं, तो मोदी जी जो हिंदुओं की बात करते हैं क्या वो मुझे बख्श देंगे? एक मिनट में उठाकर फेंक दिया जाएगा। बात हिंदू मुस्लिम की है ही नहीं, बात है गलत और सही की, कि कांग्रेस पार्टी की जो नीति रीति जो रही है वो सही के साथ। तो विजय भाई हिमाचल में तो कांग्रेस सही के साथ खड़ी है, कर्नाटक में सही के साथ क्यों नहीं खड़ी? कर्नाटक का जवाब ले लीजिए। देखिए
किसी व्यक्ति की चाहे प्रमोशन का मामला हो, सम्मान का मामला हो, कई बार लोग शिकायतें कर देते हैं तो उस मामले में क्या होता है कि पहले जांच होती है और फिर वो सम्मान दे दिया जाता है। शिकायत किसकी, शिकायत किसकी? कल को पाकिस्तान आएगा और पाकिस्तान शिकायत कर देगा कि इस टीचर को सम्मान मत दो। कल को जो है लश्कर ए तैयबा लिख देगा कि भैया पाकिस्तान इस टीचर को सम्मान मत दो। कल को जो है हाफिज सईद कह देगा तो आप लोग क्या रोक देंगे उसको? मतलब किसके कहने पर? सवाल ये, किसके कहने पर? आपने एसडीपीआई, एसडीपीआई कहने का हक है नहीं, किसके कहने पर आप काम करेंगे? आज आप एसडीपीआई के सामने घुटने टेक रहे हैं, फिर आप पाकिस्तान के सामने, फिर आप लश्कर ए तैयबा के सामने घुटने टेकेंगे। सवाल मेरा ये है, किस किस के सामने घुटने टेकेंगे? जब आप पूरी कमेटी बनाते हैं, जांच करते हैं, तब आपके पास तथ्य नहीं होते क्या? 2021 में मामला हुआ था, 2024 में आकर एसडीपीआई के कहने पर रोक देते हैं, इससे शर्मनाक क्या हो सकता है? एक ब्रेक ले रहा हूं, रुकिए। जब विजय जी जब आप कह रहे हैं ना सही के साथ, तो जब हिमाचल प्रदेश में सही के साथ खड़े हो रहे हैं तो कर्नाटक में भी सही के साथ खड़े होइए। और कर्नाटक में वो टीचर सही हैं, वो प्रिंसिपल सही हैं, क्योंकि उन्होंने संविधान सम्मत काम किया है। वो जो राहुल गांधी लाल किताब लेके घूमते हैं, उस किताब के सम्मत काम किया है, और ये कोर्ट ने भी माना है। ये नहीं हो सकता, इसीलिए मैं कह रहा हूं आज कांग्रेस के, कांग्रेस जो है ना, जैसे रावण के 10 चेहरे थे, आज कांग्रेस के 3 चेहरे तो मैंने आपको दिखा दिए हैं, और भी चेहरे होंगे। 3 चेहरे तो मैंने दिखा दिए। तेलंगाना में तिरंगा यात्रा पर निकालने वाले के खिलाफ जो है FIR हो जाती है, कर्नाटक में SDPI के कहने पर टीचर का अपमान हो जाता है, और हिमाचल प्रदेश में कहते हैं अवैध मस्जिद है इसको हम गिराएंगे, लव जिहाद है इसको हम रोकेंगे। तो 3 चेहरे हैं जैसे रावण के चेहरे होते थे, असली चेहरा कौन सा है? और असली चेहरा सैयद जवाद है, असली चेहरा विजय कौशिक है। ये भी मेरे दर्शकों, ये भी मेरे दर्शकों के सामने सवाल है। विजय कौशिक कह रहे हैं मस्जिद हटानी चाहिए, सैयद जवाद कह रहे हैं मस्जिद कैसे हटा दोगे, कानून का मामला ये है वो है। एक ब्रेक के बाद आ रहा हूं मैं। अरे क्या हो गया, पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया। जमिया किसी हाथ से चारा खिलाते हो, तभी तो आपके गाय भैंसों की ब्याप सबसे ज्यादा है। अगले ये चमत्कार इस हाथ का नहीं, हाथ में जो कपिला पशु आहार है उसका है, जो पशुओं की सेहत अच्छी रखता है और ब्याप भी बढ़ाता है। कपिला देश का नंबर 1 पशु आहार। छोटे किसानों की शक्ति, कोऑपरेटिव की शक्ति और भारतीय नस्ले पशुओं की शक्ति मिलकर एक अलग ही ताकत बनती है। इस ताकत को बढ़ाने और डेयरी के विकास में जुड़े पशुपालकों, तकनीशियनों व डेयरी सहकारी समितियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से पशुपालन एवं डेयरी विभाग दे रहा है राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार, जिसमें इस बार से पूर्वोत्तर क्षेत्र को भी शामिल किया जा रहा है। आवेदन के लिए awards.gov.in पर जाएं या अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर, पशु चिकित्सालय या पशुपालन और डेयरी विभाग से संपर्क करें। आवेदन 15 सितंबर 2024 तक। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब DMM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो। अरे ऋषि आज स्कूल नहीं गए। 3 महीने से फीस नहीं भर पाई तो निकाल दिया स्कूल ने। कहीं आपके बाद आपके बच्चों के सपने ना टूट जाएं। आज ही लीजिए पॉलिसी बाजार पे 2 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस, सिर्फ 690 रुपए महीने से शुरू। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। दो टुक आप देख रहे हैं, दो टुक में आज हम बात कर रहे हैं मस्जिद हिजाब क्या कांग्रेस का उतर गया है नकाब, और अगर नकाब उतरा है तो कहाँ उतरा है? क्या हिमाचल में जो नकाब उतरा है वो असली कांग्रेस है जो कहती है, जहां मंत्री विधानसभा के फ्लोर पर खड़े होकर लव जिहाद के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, मंत्री कहते हैं मस्जिद अवैध बनी हुई है, मंत्री कहते हैं कि वक्फ बोर्ड ने जो है सरकार की ज़मीन पर कब्जा करके मंदिर मस्जिद बना लिया है, मंत्री कहते हैं कि मस्जिद को गिराना चाहिए, क्या वो असली कांग्रेस है? या कर्नाटक में जिसने SDPI के सामने घुटने टेक दिए, SDPI के एक ट्वीट के बाद एक शिक्षक का अपमान कर दिया, ये असली कांग्रेस कौन सी है? और एक और कांग्रेस है तेलंगाना में तिरंगा यात्रा निकालने पर लड्डू सिंह यादव के खिलाफ FIR हो जाती है, तो असली कांग्रेस कौन सी? इसी पर चर्चा कर रहे हैं। 4 मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, गुरुप्रकाश जी जुड़े हुए हैं BJP से, गुरुप्रकाश पासवान सैयद जवाद कांग्रेस के समर्थक राजनीतिक विश्लेषक हैं, विजय कौशिक कांग्रेस के नेता हैं, सौरभ दुबे राजनीतिक विश्लेषक हैं। गुरुप्रकाश जी एक बात जो यहाँ पर बार बार आ रही है, एक तो
जो हमारे विजय कौशिक जी, विजय कौशिक जी ने कहा जो सच है कांग्रेस तो उसके साथ खड़ी है, इसलिए हिमाचल प्रदेश में जो सच खड़ी है वो वहाँ पर है। और सैयद जवाद कह रहे हैं कि भाई कर्नाटक में जो है विवाद हो गया था, तो विवाद की जांच होगी, जांच के बाद जो है जो होगा वो देखा जाएगा उसके बाद। नहीं देखिए, इससे बड़ी हिपोक्रेसी, इससे बड़े दोहरे मापदंडों की पराकाष्ठा और क्या होगी। अशोक जी आप कह रहे हैं कि अवैध निर्माण है कि नहीं, कौन तय करेगा? ये विजय भाई तय करेंगे या सैयद भाई तय करेंगे? ये तो कोर्ट तय करेगा ना। और अगर कोई मंत्री विधानसभा के फ्लोर पे, विधानसभा के पटल पे कुछ बयान देता है तो पूरी जिम्मेवारी के साथ देता है। और आपने अच्छा किया कि आपने आभार व्यक्त किया है। कोई भी मंत्री विधानसभा के पटल पे जब बोलता है तो तथ्यों के साथ बोलता है, एविडेंस के साथ बोलता है। उनके भाषण कहाँ गए कि 6000 स्क्वायर फीट पे इंक्रोचमेंट है, 6000 स्क्वायर फीट इलीगल कंस्ट्रक्शन है, अनलॉफुल कंस्ट्रक्शन है, तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए? मस्जिद हो, मंदिर हो, इस विषय को हिंदू मुसलमान या बीजेपी कांग्रेस से परे जाकर के देखने की आवश्यकता है। अशोक जी आप यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन और कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, जब संविधान कहता है, और यहाँ तो हिमाचल प्रदेश में रूल ऑफ लॉ है कि नहीं है, कानून का शासन है कि नहीं, आप बताइए ना मुझे। अगर कानून का शासन है तो इलीगल कंस्ट्रक्शन किस रूप में हो सकता है और उसके दुष्प्रभाव क्या है वो मंत्री जी ने बहुत अच्छे से बताए। लेकिन अशोक जी मैं एक और बात कहना चाहता हूँ कर्नाटक के विषय में। अभी सैयद भाई ने अपने शुरुआती प्रबोधन में कहा कि हम सरदार पटेल को मानते हैं, नेहरू को मानते हैं, बाबा साहब अंबेडकर को मानते हैं। बाबा साहब अंबेडकर की एक पुस्तक है पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया, कर्नाटक के संदर्भ में बताना चाहता हूँ। इस पुस्तक के पेज नंबर 255 पे स्पष्ट रूप से लिखा है बाबा साहब अंबेडकर के द्वारा कि हिजाब इज एन इंडिकेशन ऑफ स्लेविश मेंटेलिटी, हिजाब गुलामी मानसिकता का प्रतीक है। मुस्लिम वुमेन वॉकिंग विथ हिजाब इज द मोस्ट हिडियस साइट, ये घृणित करने वाला इमेज है, ऐसा बाबा साहेब अंबेडकर का मानना है। जहां आपको बाबा साहेब अंबेडकर सूट करेंगे वहां बाबा साहेब अंबेडकर की आप जय जयकार करेंगे, जहां बाबा साहेब अंबेडकर को सूट नहीं करेंगे वहां बाबा साहेब अंबेडकर को अस्वीकार करेंगे। बाबा साहेब अंबेडकर को संविधान को कन्वीनियंस के हिसाब से, पॉलिटिक्स के हिसाब से उपयोग करना बंद करिए आप। देश में संविधान है, देश में रूल ऑफ लॉ है, आप इसको मानिए, कॉन्स्टिट्यूशन को मानिए, कॉन्स्टिट्यूशन को एक पॉलिटिकल वॉटाबाउटरी का विषय मत बनाइए। बढ़िया बात आपने कही और आपने अच्छा किताब को भी कोट कर दिया। तो सैयद जवाद क्या कन्वीनियंस के हिसाब से बाबा साहब आ जाते हैं, कन्वीनियंस के हिसाब से संविधान आ जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और उसी संविधान के अंदर राइट टू फ्रीडम का भी अधिकार दिया गया, आप शायद भूल गए फंडामेंटल राइट्स को, आप भूल गए। मैं राइट, अगर ऐसा मैं अभी, अभी, अभी बाबा साहब के, बाबा साहब ने हिजाब पे जो कहा, सुनिए ना एक मिनट, बाबा साहब ने क्योंकि सुनिए ना, कर्नाटक का पूरा विवाद हिजाब को लेकर खड़ा हुआ और हिजाब को लेकर उस टीचर को, मैं जवाब दे रहा हूं तो बीच में मुझे, अरे अभी आपने सुनिए ना, मैं आपका जवाब ही ले रहा हूं, लेकिन मुझे लगता है, मुझे लगता है कि जो स्पेसिफिक चीज है उसका स्पेसिफिक जवाब आया। हिजाब को लेकर जो बाबा साहब ने कहा उसके पक्ष में आप कि उसके खिलाफ में, बाबा साहब के समर्थन में होंगे आप? मैं बिल्कुल उसी संविधान के अंदर जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का दिया हुआ उसी में फंडामेंटल राइट्स भी दिए गए हमको, उसी संविधान में ये अधिकार दिया गया है कि हम अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग चल सकते हैं। तो फिर यादा अगर समझदार ये गुरु पासवान जी हो गए हैं, नहीं चल सकते जिस शब्द का वो कर रहे हैं, मैंने स्कूल में नहीं चल सकते, बिल्कुल नहीं चल सकते। मैं अरे भाई इस देश के अंदर रिलीजियस बैन करके, अरे हिजाब रिलीजियस, हिजाब हिजाब रिलीजियस आपका, हिजाब रिलीजियस भी आपका अधिकार नहीं है, आपके रिलीजन में कहीं हिजाब नहीं है। ये बात संविधान के तहत अदालत ने कही है। राइट टू फ्रीडम का क्या करेंगे आप? राइट टू फ्रीडम स्कूल में क्या करेंगे आप? राइट टू फ्रीडम स्कूल में राइट टू फ्रीडम, कोई मतलब कुछ मर्जी स्कूल में पहन के जाए, राइट राइट टू फ्रीडम, स्कूल के अंदर बिकनी पहन के चले जाए लड़की की, मेरा राइट टू फ्रीडम है। अशोक भाई अब आपको मैं जवाब दे रहा हूँ तो आप सुनेंगे नहीं, गुरु पासवान को तो आप सुनेंगे नहीं, आपका जवाब स्पेसिफिक नहीं आ रहा। आपने कहा रिलीजियस फ्रीडम है, रिलीजियस फ्रीडम किस चीज की है? स्कूल के अंदर हिजाब पहने की रिलीजियस फ्रीडम नहीं है? नहीं, शिक्षा कैसी है? अगर कोई हिजाब पहनकर से शिक्षा लेना चाहता है आप उसको जो है 12-14 दिन बाहर नहीं खड़ा कर सकते? नहीं, हिजाब स्कूल में पहनना अलाउ नहीं है। वो कौन से संविधान में लिखा है? कौन से संविधान में लिखा है मुझे बताइए। बाहर से बच्चे
सुनिए, बहुत से लोग हिजाब पहनते हैं, बहुत से लोग हिजाब नहीं पहनते। अरे पहनिए ना हिजाब। अरे आप हिजाब सवाल फिर सुनिए सही जवाब। उस प्रिंसिपल ने, उस प्रिंसिपल ने ये नहीं कहा था कि आप अपने घर में हिजाब मत पहनिए। ये पूरा विवाद जो है हिजाब को लेकर नहीं है, ये पूरा विवाद स्कूल के अंदर, क्लासरूम के अंदर हिजाब को लेकर है। बी स्पेसिफिक, बी फैक्चुअल। अगर तो आप फिर संविधान के अंदर जो हमारे फंडामेंटल राइट है उसका क्या करेंगे? फंडामेंटल राइट में कहीं नहीं लिखा है कि आप स्कूल के अंदर जो है आप पुलिस में भर्ती हो जाएं और हिजाब पहन के जाएं, ये फंडामेंटल राइट नहीं है। आप सेना के अंदर भर्ती हो जाएं और क्या हिजाब पहनेंगे, ये आपका फंडामेंटल राइट नहीं है। आप स्कूल में जाएं हिजाब पहन के जाएं, आपका फंडामेंटल राइट नहीं है। ये नहीं है आपका फंडामेंटल राइट। ये संविधान की किसी किताब में नहीं लिखा, राहुल गांधी की लाल किताब में भी नहीं लिखा। पढ़ लीजिए राहुल गांधी से लेकर एक दिन, बोरो कर लीजिए राहुल गांधी से एक दिन। हो गया, अब मैं बोल लूं, हो गया। फैक्चुअली बोलिए ना। मैं फैक्चुअली बोल रहा हूं। बताइए मुझे संविधान में कौन, मुझे बताइए संविधान में कहां लिखा है कि आप सेना में भर्ती होंगे हिजाब पहनना आपका अधिकार है? कहां लिखा है संविधान में, कौन से नियम में लिखा है भाई मेरी? अच्छा तो फिर बताइए मैं क्या करूंगा फंडामेंटल राइट का, क्यों दिए गए ये फंडामेंटल राइट संविधान के अंदर? वाह, फंडामेंटल राइट सेना में हिजाब पहनने के लिए फंडामेंटल राइट है? सेना में हिजाब पहनने के लिए फंडामेंटल राइट है? देश सुन तो लीजिए भाई। अरे सर आप बताइए ना, मैं बड़ा सिंपल पूछ रहा हूँ सर, सेना में हिजाब पहनने के लिए फंडामेंटल राइट है आपके पास? अगर कोई पहन करके ये करना चाह रहा है नहीं, तो कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, तो आपके पास दूसरे भी तो ऑप्शन है ना? नहीं कर सकता ना आपके पास तो दूसरे ऑप्शन, दूसरे एग्जैक्टली आपने बिल्कुल सही कहा, दूसरे ऑप्शन है। जो हिजाब पहन के जाना चाहती हैं लड़कियां, उनके पास ऑप्शन है मदरसे में जाएं, उनके पास ऑप्शन है मदरसे में जाएं। अगर आपको हिजाब पहन के सेना में आना है तो आप सेना में मत आइए, आप जाइए किसी और जगह, किसी 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 आतंकवादी संगठन में घुसे कहीं चले जाइए, या आपको हिजाब पहनकर अगर स्कूल में आना तो आप मदरसे में चले जाइए, विकल्प आपके पास है। कृपया करके अशोक भाई, ये जो मेंटालिटी है ना, ये जबरदस्ती किसी पर थोपी नहीं जा सकती। आप हिजाब किसी पर थोप नहीं सकते और आप किसी स्कूल को, किसी स्कूल कॉलेज को उसका नियम नहीं बना सकते कि हिजाब पहनना अनिवार्य है। सौरभ द्विवेदी, किसी के ऊपर थोपा नहीं है, माफ कीजिएगा, जिसकी जो मर्जी चाहता है। नहीं नहीं, ये क्या स्कूल के अंदर ये जिद है कि हम स्कूल के अंदर स्कूल के नियम तोड़ेंगे, हम कानून, क्योंकि डिबेट उसी पर हो रही है ना, ये टीचर को इसी बात का जो है, इसी बात के लिए उनको प्रताड़ित किया जा रहा है कि भाई तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, तुमने स्कूल के अंदर स्कूल का बनाया, राज्य सरकार का बनाया नियम लागू करने की कोशिश। स्कूल का नियम बढ़ा है, देश का संविधान का नियम बढ़ा है, आप बता दीजिए। चलिए क्या क्या फिर से बोलिए, स्कूल का नियम बढ़ा है कि संविधान का नियम बढ़ा है? तो संविधान का नियम ही बढ़ा है, लेकिन आप संविधान के नियम को हर जगह मानते हैं? हर जगह छोड़िए ना, मैं कह रहा हूँ संविधान में कहाँ लिखा है कि स्कूल में आप हिजाब पहन के जा सकते हैं? कहाँ लिखा है संविधान बताइए, संविधान का पेज नंबर बताइए, संविधान का पेज नंबर बताइए, संविधान में कहाँ लिखा है कि आप स्कूल के अंदर जो है हिजाब पहन के जा सकते हैं? आपकी पर्सनल चॉइस होगी, मुझे बताइए, स्पेसिफिक बताइए, संविधान में कहाँ लिखा है? गुरु प्रकाश जी, संविधान में कहीं लिखा है क्या? आप तो बहुत शिक्षक हैं, किताबें पढ़ते हैं, उन्होंने शायद राहुल गांधी का संविधान नहीं पढ़ा होगा, बोरो राहुल गांधी जी ने किताब नहीं दी होगी, क्योंकि राहुल जी को अपनी चुनावी सभाओं में किताब लेके जानी पड़ती है। लेकिन संविधान में कहां लिखा है कि आपके पास स्कूल में अपने पास चॉइस है? कहीं लिखा है संविधान में? कहां नहीं लिखा हुआ है, कहां नहीं लिखा हुआ है? एक मिनट एक मिनट एक मिनट गुरु प्रकाश जी बोलिए, एक मिनट आ रहा हूं, गुरु प्रकाश जी संविधान में कहां लिखा है भाई? अशोक जी ये लगातार बोल रहे हैं फंडामेंटल राइट की बात कर रहे हैं, संविधान की बात कर रहे हैं। मैं संविधान का आर्टिकल 25 इनको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। आर्टिकल 25 क्या है? फ्रीडम ऑफ रिलीजन। उसी आर्टिकल 25 में ये भी लिखा है, दिस राइट इज नॉट एब्सोल्यूट and it is subject to the restriction based on public order, morality and health. कोई भी right absolute नहीं है, वो चाहे article 25 क्यों ना हो और fundamental rights ही क्यों ना हो। Every right comes with a set of reasonable restrictions. संविधान की selective reading, संविधान की selective quoting
बंद करिए। मैं आपके सामने 10 सुप्रीम कोर्ट के ऐसे वर्डिक्ट कोट कर सकता हूं जहां बताया गया है कि कोई भी राइट, कोई भी अधिकार एब्सोल्यूट नहीं है। आपके पास अधिकार है, पंथ निरपेक्ष देश है, लेकिन पंथ निरपेक्षता के द्वारा आप एब्सोल्यूटली किसी भी अधिकार का हनन नहीं कर सकते हैं अशोक जी। ये संविधान को, अंबेडकर को एक पॉलिटिकल सब्जेक्ट बनाने से ऊपर उठने की आवश्यकता है और संविधान को सिलेक्टिवली अपने कन्वीनियंस के हिसाब से पढ़ना, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से कोट करना, इससे बड़ा अन्याय बाबा साहेब अंबेडकर के साथ और कुछ नहीं हो सकता है। सर बाबा साहब ना अंबेडकर के नाम पर जो है संविधान की कुछ भी व्याख्या करके संविधान को कुछ भी। सौरभ दुबे, देखिए सबसे पहले तो आज शिक्षक दिवस है, शिक्षक दिवस की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए शिक्षक जो होता है वो हमेशा जो है आने वाले उज्ज्वल भविष्य को जो है वो तयार करने का कार्य करता है। वो आप स्वयं तो अभाव में रहता है लेकिन एक प्रभावशाली व्यक्तित्व के निर्माण की पूरी जो है संरचना वो करने का प्रयत्न अपनी तरफ से करता है। और तमाम ऐसी घटनाएं हुई हैं हमारे इतिहास में, घनानंद को देख लीजिए। घनानंद जो है एक बहुत बड़ा तानाशाही मान लीजिए या भोग विलास करने वाला राजा था, तो उस समय जो चाणक्य का अपना कर्तव्य था, चाणक्य ने तुरंत जो है वो दूसरे राजा को तैयार किया और जो सही व्यवस्था हो सकती थी उस तरह से उनको राज्य करने का कार्य सिखाया चंद्रगुप्त को। तो इसी प्रकार से अगर वहाँ पर कर्नाटक में कोई शिक्षक जो है अगर उसको लगता है कि संवैधानिक तरीके से स्कूल को चलना चाहिए, विद्यालय को चलना चाहिए, कॉलेज को चलना चाहिए, उसके खिलाफ अगर वो कोई बात कहता है तो ये जो तमाम कट्टर मुस्लिम धर्म जो है वहाँ पर मुस्लिम समुदाय के लोग आकर के उस पर जो है कोर्ट में भी चले जाते हैं। और कोर्ट में देखिए जाते हैं तो क्या कहते हैं, कोर्ट में जाकर के कहते हैं जिस संविधान की बात करते हैं उसी संविधान का ये जो है वहाँ पर बोलते हैं कि अनुच्छेद 19 की बात करने लगते हैं, अनुच्छेद 20 की बात करते हैं, 21 की बात करते हैं, अनुच्छेद 25 की बात करते हैं। वहाँ ये कहीं भी नहीं कहते कि नहीं ये संविधान के अंदर लिखा है कि हिजाब पहनना चाहिए। और जब बाहर जाते हैं स्कूलों के अंदर, जब मदरसों में, तो वहाँ पर क्या कहते हैं इनका जो प्रमुख संगठन है मुस्लिम संगठन जमीयत उलेमा हिंद, वो कहता है कि हिजाब धारण करना इस्लामी सिद्धांतों एवं शरीयत के तहत अनिवार्य है। मतलब ये खुद स्वीकार करते हैं, इनके जो बड़े जो है जो भी इनके जमीयत मौलाना है, मुस्लिम संगठन है, जो भी इनके लोग हैं, वो ये मानते हैं इस बात को कि संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, संविधान में तो कहीं नहीं लिखा हुआ है। अच्छा संविधान आप छोड़ दीजिए देश का, मैं तो कह रहा हूं कई विदेशों के अंदर कई देश ऐसे हैं जो हिजाब पर धीरे धीरे बैन कर रहे हैं। तजाकिस्तान का उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको, तजाकिस्तान में 95% मुस्लिम आबादी है, बावजूद उसके वहां पर जुर्माना तक लगाया गया है कि 60,000 से 5,00,000 रुपए तक का आपको जुर्माना लगता है अगर आप बुर्का और हिजाब पहनते हैं। इस्लामी मुल्कों में जो शरिया कानून से चलते हैं उन्होंने बाकायदा उन्होंने स्कूल कॉलेजों में प्रतिबंधित किया हुआ है, बैन है। और आप यहाँ पर जो है पैरवी कर रहे हैं विद्यालय के अंदर, तो कल विद्यालय के अंदर फिर जो है हिंदू अगर भगवा पहन करके आएगा, हिंदू अपना अलग वस्त्र धारण करके आएगा, मुस्लिम अलग धारण करके आएगा, तो क्या ये विद्यालय के जो जहां पर सारे छात्र एक समान होते हैं उनको शिक्षा एक समान दी जाती है, वो इस तरह से क्या चल पाएगा? Okay. नहीं चल पाएगा, पहली बात। दूसरी बात देखिए, हिमाचल प्रदेश में जिस मस्जिद की बात की जा रही है, उस मस्जिद में जो सबसे पहले 1947 से उसमें वो जो है वहां पर लोग जाते थे और नमाज पढ़ते थे, उस समय मात्र 2 व्यक्ति जाते थे उस मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने, और धीरे धीरे वो 1 तल्ले से 2 तल्ला बन गया। 2 तल्ला बनते ही उस पर वो केस हो गया, 2010 से लगातार उस पर जो है वहां पर 35 से ज्यादा लोग जाकर के मुकदमे दर्ज करा चुके, 44 से ज्यादा बार जो है उस पर सुनवाई हो चुकी, और वो धीरे धीरे किसी ने रोक नहीं लगाया तो वो 5 तल्ले में परिवर्तित। मंत्री जी ने यह स्वीकार किया है कि 19 लोग रजिस्टर्ड थे, आज 1900 हो गए, ये कहां से आ रहे हैं? नहीं वही कह रहा हूं। और ये सुनिए, ये बड़ी आबादी जो बढ़ रही है, ये विषय जो है ये रोहिंग्या मुसलमान वहां पर तमाम तरह का भी एक विषय और आया था कि वहां पर जो इसकी फलों की खेती दी जा रही है, जो सेब के बगीचे दिए जा रहे हैं, उसमें अधिकतर ये मुस्लिम लोग जो है आकर के उसको जो है वहां पर वो उसकी खेती का कार्य कर रहे हैं। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद मुझे बढ़ती हुई आबादी जो दिखाई दे रही है इस पर कांग्रेस के ही मंत्री बोल रहे हैं भाई, कोई भाजपा का मंत्री नहीं है। एग्जैक्टली कांग्रेस ने बोला है, कांग्रेस के मंत्री से सहमत नहीं है तो फिर किससे सहमत? ऑन रिकॉर्ड बोला है, विधानसभा के पटल पर बोला है। छोटा सा ब्रेक के बाद जल्दी से आ रहा हूं, जल्दी से आगे कमेंट के जाऊंगा, छोटे से ब्रेक के बाद। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। काट! सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो
या अच्छी फसल, इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। हाय मॉम, फिर से शॉपिंग? बाबूजी, आपने इसे बिगाड़ के रखा। लिमिट में करो तो कुछ बुरा नहीं होता है। बिना लिमिट शॉपिंग करेगी आपके कार्ड पे एड ऑन जो है। मैंने तो कार्ड पे लिमिट सेट कर दिया। अच्छा, इसके फायदे ये हैं कि रिस्क कम हो जाता है, और अगर फ्रॉड भी हुआ तो तुरंत बैंक को बोल दीजिए नुकसान कम। दादू, नेक्स्ट टाइम योर पिंक ड्रेस। योर द लिमिट। लिमिट तो सेट है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब DM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो। वो मिस्टर विकास की फाइल। आप पॉलिसी बाजार। मैम, आपका हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है, अब आप सर को घर ले जा सकती हैं। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। ओके, चलिए हम मस्जिद और हिजाब। चलिए 30 सेकंड विजय कौशिक। अशोक भाई देखिए, सबसे पहले आपके चैनल पर जो एक मैसेज दिया जा रहा है कि जो हमारे मनमोहन सिंह जी थे उन्होंने ये कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है, उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा। अरे सुनिए विजय जी, सॉरी विजय जी, सॉरी रिकॉर्डेड है। विजय जी सॉरी, आप लोग कितनी बार जो मैं कह रहा हूँ ना, कितनी बार झूठ को, कितनी बार झूठ आप लोग बोलते हैं सर। ये उनका एक बार नहीं, कई बार का। मेरे पास उनकी क्लिपिंग पड़ी है, मेरे पास समय नहीं है कि मैं एक झूठ को, मेरे पास इतना समय नहीं है कि आप एक झूठ बोलते हैं मैं उसको सच सच करने के लिए, क्योंकि मेरे पास उनकी रिकॉर्डेड वर्जन है, रिकॉर्डेड वर्जन है। एक बार नहीं, उन्होंने कई बार कहा था। सही जवाब 30 सेकंड जल्दी से, सही जवाब 30 सेकंड जल्दी से। देखिए आर्टिकल 25 की बात गुरु पासवान जी ने कही और वो आधे सच के अकॉर्डिंग कही, पूरा सच नहीं था, आधा सच था। और आधे सच के अंदर ये था कि सरकार लोगों को धर्म प्रचार प्रसार करने की भी इजाजत देती है और उसमें सरकार हस्तक्षेप नहीं करेगी। ओके, गुरु प्रकाश जी रिस्पॉन्ड कीजिए जल्दी से। ओके, गुरु प्रकाश जी की आवाज। ओके, गुरु प्रकाश जी रिस्पॉन्ड कीजिए। सब चीजों की इजाजत ये आर्टिकल 25। गुरु प्रकाश जी रिस्पॉन्ड कीजिए। नहीं, मेरे आर्टिकल 25 की बात कर रहे हैं। मैं तो अशोक जी, आपने एक साधारण सा सवाल पूछा था कि बाबा साहेब अंबेडकर के जो हिजाब पे विचार हैं उससे सैयद भाई सहमत है हाँ या ना। हाँ। इतना बता दीजिए शो के अंत में, क्या बाबा साहेब अंबेडकर सही थे या गलत थे, उनके विचार हिजाब पे कैसे लगे आपको, सही या गलत, हाँ या ना, उसके बाद बताइए आप। उसके उस पे तो नहीं बोलेंगे सर, बाबा साहब तो हैं यहाँ पर सूट नहीं करते हैं। बाबा साहब ने तो ये भी कहा था कि आजादी के बाद जो है मुस्लिम जो आबादी है उसका पूरी तरह से जो है उसको सेपरेट कर देना चाहिए वहाँ पे। लेकिन आप बाबा साहब भी जहाँ सूट करते हैं, संविधान भी जहाँ सूट करता है, इसीलिए मैंने कहा ये जो सूट करने वाली पॉलिसी है ना, इसी के तहत कांग्रेस के कई कई रूप दिख जाते हैं। हिमाचल प्रदेश में अलग, तेलंगाना में अलग और कर्नाटक में अलग। तो कांग्रेस क्या है ये देश को समझना चाहिए। देश की प्रमुख विपक्षी पार्टी है, लेकिन मुझे लगता है अपनी पॉलिसी को लेकर लोगों को बेवकूफ नहीं बनाना चाहिए। जो बात सच है उसको स्वीकारिए तो देश को लगेगा कि हाँ आप जो कह रहे हैं सच कह रहे हैं। आज के लिए इतना ही, चलिए कल आपसे फिर मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए, नमस्कार।